जनपद में गंगा के रौद्र रूप एवं बढ़ते जल स्तर को देखते हुए जिलाधिकारी एमपी सिंह ने रविवार को विकास खंड रेवतीपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी ने बाढ़ को देखते हुए रेवतीपुर रामपुर मार्ग में पानी भरने के कारण आवागमन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही रेवतीपुर के कुछ घरों में बाढ़ का पानी आ जाने के कारण प्रभावित घरों के लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराते हुए रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था तथा पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखते हुए उन्हें चारा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी नाव के माध्यम से विकास खंड रेवतीपुर के ग्राम नसीरपुर हसनपुरा तथा बिराऊपुर का भ्रमण कर बाढ़ से प्रभावित ग्रामों एवं फसलों का जायजा लिया व उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं से रूबरू हुए। हसनपुरा में खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए लेखपाल तथा कोटेदार को तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने जन समुदाय से अपील किया कि अभी गंगा का जलस्तर बढ़ाव की स्थिति में है, अतः आप लोग अपने निकट बनाए गए बाढ़ शरणालय में समय रहते चले जाएं, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना ना हो। जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित गांव के प्रधान सचिव लेखपाल व अन्य अधिकारियों को निर्देश दिया कि वह अपने अपने क्षेत्रों में भ्रमणशील रहे तथा बाढ़ से होने वाले नुकसान पर पैनी नज़र रखते हुए तत्काल किसी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित उप जिलाधिकारी एवं जिला प्रशासन को अवगत कराएं। जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया कि बाढ़ प्रभावित ग्रामों में बाढ़ राहत से संबंधित सभी व्यवस्थाओं की पूरी तैयारियां रखते हुए स्वयं भी इस पर निगरानी रखें ताकि बाढ़ प्रभावित लोगों को आवश्यकता पड़ने पर तत्काल राहत पहुंचाई जा सके। इस दौरान अपर जिलाधिकारी अरुण कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सिवराई, तहसीलदार सिवराई, खंड विकास अधिकारी रेवतीपुर, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।